हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एक नया चैनल है और इस पर मैं आपको स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियोस बना के देता रहा करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस पहले वीडियो के लिए मैंने जिस स्टॉक को चूज़ किया है वो है सिप्ला। ये एक निफ्टी 50 का फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और इस स्टॉक का हम अगर पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो ये एक बहुत ही अच्छे डाउन ट्रेंड में था। इसने लगभग यहाँ पे 490 के करीब अपना हाई बनाया और उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर ये 410 409 के लेवल को टच कर रहा था। तो क्या ये अभी और नीचे जाएगा या यहाँ से रिवर्सल लेगा, इसको देखने के लिए हम अपने ट्रेडिंग सेटअप्स पे जाते हैं। तो अब आप सिर्फ उन लाइंस को देखना जिनको मैंने आपको बताना है। तो पहले हम इसके वीकली चार्ट को देखते हैं। तो मैंने दो पर्पल लाइन से एक चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है जो कि डाउनवर्ड स्टैंड चैनल है। तो इसका ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने 2018 में यहाँ पे अपना टॉप बनाया था 680 के आसपास, फिर ये डाउन आ गया, फिर इसने चैनल को टच किया नीचे आ गया, फिर इसने टच किया और ये दोबारा नीचे आ गया। तो क्या ये इस लेवल से और नीचे जाएगा? तो इस सवाल का जवाब देखने के लिए हमारे को दो तीन अलग ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और डाउन ट्रेंडिंग चैनल है, तो ये अपने देखा जाए तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि 410 रुपये पर आता है। जैसा कि आप देख सकते हो 410 रुपये पर इसको जो एक सपोर्ट है वो है 2012-13 के आसपास का। और अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो इसको नीचे बहुत ही पास में 380 पे एक सपोर्ट और मिलेगा। तो क्या ये 410 के नीचे जाएगा, उसके लिए हम दूसरे ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर जाके देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं वॉल्यूम के डाटा को। तो हुआ क्या यहाँ पे पिछले दो दिन में, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने जब पिछले दो दिन में इसने क्या किया, इसने दोनों दिन डाउन गैप डाउन ओपनिंग करी और ये ग्रीन क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो इसने देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसने परसों यानी 26 तारीख को गैप डाउन ओपनिंग करी। इसने ओपन किया 403 पे, मगर जो इसने ओपन किया वही इसका लो था और पूरा दिन ये अब ट्रेंड में रहा और वॉल्यूम की अच्छी खासी थी। एवरेज वॉल्यूम से लगभग डबल वॉल्यूम हमने देखी, तो ग्रीन कैंडल और एवरेज से ज़्यादा डबल वॉल्यूम। उसके बाद आज दोबारा इसने गैप डाउन ओपनिंग करी और क्लोजिंग इसने लगभग नियर हाई करी, पूरा दिन ये अब ट्रेंड में ट्रेड करता रहा। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो जो डिलीवरी परसेंटेज था वो था 33% या 34% कल और आज का। तो इसकी एवरेज डिलीवरी जो परसेंटेज है वो लगभग 42-43% रहती है, तो उससे तो ये डिलीवरी परसेंटेज कम है। तो उससे हमारे को ये आइडिया लगता है कि इसमें जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही थी वो अभी कुछ ना कुछ तरीके से दो दिन से कम हुई है और अब ये एक बड़े मूव की तैयारी में है। हो सकता है यहाँ से ये रिवर्सल दे दे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसने यहाँ पे माउस को देखिए, यहाँ से इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, इसने इसको कंप्लीट किया यहाँ पे, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वही लेवल पे वापस आया, फिर इसने इसको बनाया बड़े ट्रायंगल को और वापस ही उसी लेवल पे आया, फिर इसने इसको बनाया और कहीं ना कहीं इसने इस लेवल को जब ये तोड़ा तो दोबारा ये ट्रायंगल पैटर्न की या एम पैटर्न कह लीजिए, एम पैटर्न की फॉर्मेशन में है, ये है एम पैटर्न। तो ये मुझे जितना प्राइस एक्शन के बेसिस पे लग रहा है ये एक डबल बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है और 410 इसके लिए बहुत ही अच्छा एक बेस का काम करेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करने का। आप इसमें अभी के अभी इसी पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं और आपका रिस्क भी जो है वो बहुत मिनिमल है, क्योंकि 380 के आसपास यानी सिर्फ 5-6% नीचे इसको एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट और है, उस लेवल को ये नहीं तोड़ेगा। और अगर ये नीचे जाता भी है तो ये 380-390 से लेकर 410-15 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। स्टॉक्स अक्सर अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट करते हैं एक बड़ा मूव दिखाने से पहले। तो वॉल्यूम के डाटा के हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसमें अभी एक रिवर्सल आएगा छोटे से कंसोलिडेशन पीरियड के बाद। अगर आप ट्रेडर हैं और आपको एक स्विंग कैच करना है तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके लिए 150 पीरियड्स की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो एक बहुत ही बड़े सपोर्ट के काम करती है और
और सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस का काम करती है, पर वो जो है एग्जैक्टली इस चैनल के अपर लाइन के साथ पैरेलली मैच कर रही है। और ये हम देख चुके हैं कि ये चैनल की जो अपर लाइन है इसके लिए बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस है, और जो छोटी एवरेज है यानी 10 पीरियड की मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं अभी 430 के आसपास है, तो वो भी अभी नीचे को ही गिर रही है। तो इसका कंसोलिडेट करने का चांस अभी बहुत अच्छा है। अभी आप इसमें अगर ट्रेडर हैं और एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 10 पीरियड की मूविंग एवरेज के इस प्राइस को ऊपर निकलने का वेट करना चाहिए, यानी अगर अभी ये 421 पे है तो आपको 430-32 को एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव के साथ ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। एक छोटे पीरियड में अगर देखें तो ये मैंने ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, ये भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस की लाइन का काम कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये लाइन जो है कहीं ना कहीं 410 वाली जो ये लाइन है इसको मीट कर रही है 18-3 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जैसे अगर 25 तारीख हुई है तो ये 10 से 15 दिन और अभी 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन और इसी लाइन के आसपास यानी इस ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट करेगा और फिर ये यहाँ से ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट देगा। ब्रेक आउट होगा या डाउन होगा वो हमने अभी पीछे डिस्कशन किया वॉल्यूम का, तो अगले 10-15 दिन में क्या वॉल्यूम का डाटा रहता है उससे हमारे को पता पड़ जाएगा। अगर वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल्स बनती है जैसे कि ये बनी कल, और आज की भी वॉल्यूम जो थी आज अब वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा थी, तो पूरा पूरा चांस है कि ये इसको ब्रेक करेगा। और जैसे कि आप जानते हो कि ये डबल बॉटम को ब्रेक करेगा पैटर्न को और अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा, तो इसके लिए पहली रेजिस्टेंस आएगी 480 पे, और 480 को अगर ये ब्रेक कर जाएगा जो कि एक नेक लाइन है तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। डब्ल्यू पैटर्न जैसा कि आप देख सकते हो ये डब्ल्यू बन जाएगा, तो इसका टारगेट बन जाएगा मिनिमम टारगेट 550। डब्ल्यू आपको देखना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके लिए डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। और इसको ब्रेक करते ही ये जाएगा ऊपर, तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव रेट चल रहा है जिस पे ये आप इसको बाय कर सकते हो। डाउन ट्रेंड बहुत ही लिमिटेड है, ट्रेडर्स अभी इसको कंसोलिडेट होने का वेट कर सकते हैं। अगर ये आपको 400 के आसपास मिल जाता है किसी भी गैप डाउन ओपनिंग या किसी भी कारण से तो ये आपको उसी टाइम बाय कर लेना चाहिए। और जितना मुझे लग रहा है ये 410 405 के आसपास अपना बेस बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से अप ट्रेंड देगा जो कि इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा ये ब्लैक कलर की लाइन पे। अगर ये इसको तोड़ेगा तो फिर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा इस पर्पल कलर की लाइन पे जो कि 200 मूविंग एवरेज के भी